क्या आप योग करते हैं? क्या आप जानते हैं कि योग करने से आप स्ट्रेस और एंजाइटी जैसी समस्याओं को दूर कर सकते हैं? साथियों, आजकल बिजी लाइफस्टाइल के चलते स्ट्रेस होना बेहद आम है। हमारे देश में 142 करोड़ लोग हैं और इतनी बड़ी जनसंख्या के 10-12% लोगों को स्ट्रेस है। ऐसे में स्ट्रेस क्या है, क्यों होता है और स्ट्रेस को कैसे दूर कर सकते हैं और स्ट्रेस को दूर करने में योग कितना ज़रूरी है, ये सभी जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। और अगर आप ऑफिस में, घर में या किसी तरह की परेशानी से स्ट्रेस लेते हैं तो ये रिपोर्ट खास आपके लिए है, क्योंकि आज की रिपोर्ट में हम आपको ऐसे 3 योगासन बताने वाले हैं जो मात्र 15 दिन में आपको स्ट्रेस जैसी गंभीर समस्या से बाहर निकाल देंगे। अगर यकीन ना हो तो एक बार करके देख लो। साथियों, ध्यान से देखिए, योगासन करने के लिए आपको ना कहीं जाने की जरूरत है और ना किसी तरह का इसमें कोई खर्च है। ऐसे में हम आपको 3 योगासन के बारे में बताएंगे। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लोग स्ट्रेस बढ़ाने पर दवाइयां लेते हैं, स्ट्रेस कम करने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं जो कि उनकी सेहत के लिए बेहद हानिकारक है। ऐसे में ये बेहद ही ज़रूरी है कि अगर आप बिना दवाइयों के स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं, इनका नियमित अभ्यास करने से ब्रेन भी एक्टिव रहता है और आपको दिमाग भी शार्प रहने में मदद मिलती है। दोस्तों, स्ट्रेस और एंजाइटी जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए जो पहला योगासन है वो है बालासन। स्ट्रेस को कम करने के लिए बालासन करना बेहद ज़रूरी है और ये काफ़ी असरदार भी है। अब हम आपको बताते हैं कि आप ये आसन कैसे कर सकते हैं। इस आसन को करने के लिए योग मैट पर आपको बैठना है। अब आप सांस लेते हुए दोनों हाथों को सिर के ऊपर की ओर ले जाएं। फिर आप अपनी सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए आगे की ओर झुक जाएं। इसके बाद हथेलियों और माथे को जमीन पर टिका लें। शुरुआत में ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप रोजाना इस अभ्यास को करोगे तो आप इसे आसानी से कर सकते। साथ ही यह आपको बेहद फायदेमंद भी नजर आएगा। साथियों, अब हम आपको स्ट्रेस दूर करने का अगला आसन बताते हैं जिसका नाम है पद्मासन। तनाव से मुक्ति पाने के लिए पद्मासन भी काफी फायदेमंद है। इस योगासन को करने से आपको बता दें, चिंता और अवसाद की भावना दूर होती है। इसके साथ ही ये फोकस बढ़ाने में बेहद मददगार है। पद्मासन करने के लिए मैट पर बैठकर दाएं पैर को मोड़ लें। इसके बाद दाईं एड़ी को बाईं जांघ पर रखें और बाएं पैर को मोड़कर बाईं एड़ी को दाईं जांघ पर रखें। लेकिन इस आसन को करते समय आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। अब हाथ की उंगलियों से ज्ञान मुद्रा बनाएं और हाथों को घुटनों पर रख लें। इस आसन को करते हुए कोनिया बिल्कुल भी नहीं मुड़नी चाहिए। इसके बाद आप सांसों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। यह आसन आपको स्ट्रेस दूर करने में बेहद असरदार होगा। और अगला आसन है वृक्षासन। वृक्षा भी तनाव को कम करने के लिए बेहद फायदेमंद है। सावधान मुद्रा में खड़े होकर धीरे धीरे सीधे पैर के घुटने को मोड़ते हुए पंजे को बाएं पैर की जांघ पर रखें। इस दौरान पैर को सीधा रखें। इसके बाद अपनी सांस को रोकने की कोशिश करें। अब आप दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और नमस्कार की मुद्रा बना लें। साथियों, योग भगाए रोग, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन रोजाना योग कोई नहीं करता। ऐसे में अगर आप किसी तरह के स्ट्रेस और एंजाइटी जैसी समस्याओं से परेशान हैं तो आपको ये 3 योगासन जरूर करने चाहिए और ये करने
कैसे हैं वो हमने आज आपको इस वीडियो में बता दिया है। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मेडिकली स्पीकिंग को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।